मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाला हूँ। ये उन दोस्तों के लिए जो मुझे हर टाइम पूछते रहते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा इस टाइम पे, अगर वो एक हार्डकोर गेमर है या उसको वीडियो एडिटिंग करना पसंद है तो कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करूँ जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ और कौन सा प्रोसेसर आज के टाइम पे बेस्ट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लैपटॉप मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ वो है नीट्रो 5। ये एसर का लैपटॉप है। 2 साल पहले राइजन प्रोसेसर ने मार्केट में दस्तक दी थी और ये उसी टाइम पे मार्केट पे आया था, नया था। मैंने रिस्क उठाते हुए 50,000 इन्वेस्टमेंट दिया इस पे और ज़ाया नहीं गया क्योंकि बहुत ही लाजवाब लैपटॉप है ये मेरे लिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे लैपटॉप में जो भी हैवी फाइल्स में अपलोड मारूँ Adobe Premiere Pro में वो स्मूथली रन करे, और ये लैपटॉप हर चीज़ में खरा उतरता है। और कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि 50,000 में एक लैपटॉप आपको 512 GB SSD दे रहा है, दूसरा लैपटॉप आपको 1 TB HDD दे रहा है, तो वहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि 1 TB HDD जहाँ पे ज़्यादा मेमोरी मिल रहा है वो लेना सही रहेगा। बिल्कुल नहीं। अगर HDD लेते हो तो आपका लैपटॉप का स्पीड कम हो जाता है। SSD बहुत फास्ट रहता है HDD के मुकाबले। तो अगर आपको कहीं मौका मिले, कोई अगर बजट में आपको लैपटॉप दुकानदार दिखाए, तो हमेशा SSD प्रीफर करिएगा। मैंने जब ये लैपटॉप लिया था तब इसमें HDD था, 1 TB HDD। SSD का स्लॉट डालने के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट था, लेकिन मैंने उसको बाद में खुद से डलवाया। तो मैंने क्या किया, इस लैपटॉप को फर्दर स्पीड करने के लिए मैंने इसका जो इंटरनल HDD था 1 TB का, उसको मैंने बाहर निकाल दिया और एक 232 GB का SSD डाला। उसके ऊपर मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया SSD में, और जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपना एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदा हूँ 1 TB का। जो मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसको प्लग इन करके निकाल लेता हूँ लैपटॉप में, और जब ज़रूरत ना पड़े तो उसको लैपटॉप के अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अपने HDD में रख देता हूँ। इससे क्या होता है, लैपटॉप का लाइफ बढ़ता है और ऊपर से उसको लोड नहीं जाता है और उसका बूटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस लैपटॉप का शटडाउन टाइम कितना है, कितने देर में लैपटॉप बंद होता है। यह मैंने शटडाउन का बटन दबाया, डन। उसी तरह देखते हैं कि लैपटॉप ऑन होने में कितना टाइम लेता है। ये रहा ऑन का बटन, दबा दिया मैंने। अब देखते हैं कितने देर में ऑन होता है। एसर का लोगो आ गया, डन। तो आपने देखा हार्डली 5 to 7 seconds में लैपटॉप ऑन और ऑफ हो रहा है। हैवी से हैवी गेम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस लैपटॉप में। मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स खेल के चेक किया है, GTA 5 से लेके PUBG, Pacify जो अभी खेल रहा हूँ, स्मूथली रन होता है एकदम बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। और एक बात मैंने बताना भूल गया कि इसका जो साउंड है स्पीकर का वो भी ज़बरदस्त है। ये गेम बहुत डरावना होता है, मैंने कभी इसको पार नहीं किया है। अच्छा, बताने का ये मकसद है कि लैग, फ्रेम ड्रॉप ये सब आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा गेम क्यों ना डाल दो आप। अगर मुझे कोई पूछे कि i5 और Ryzen 5 के कंपैरिजन में कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, तो मैं Ryzen 5 को ही प्रेफर करूँगा। तो आपको इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। और इसमें आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर मिल जाता है और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB रैम। इसके अलावा एक स्लॉट खाली रहता है जिसमें आप और एक 8 GB डाल के 16 GB रैम कर सकते हो इसको। हालाँकि 8 GB रैम में ही इतना स्मूथ चल रहा है,
तो सोचिए 16 GB में तो आउट ऑफ द वे चलेगा। अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आगे और जो भी वीडियोस आएंगे आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।